पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिल्कुल, यह दुखद बात है। ऐसे ईश्वर ने तो सबको एक आयु दी है, एक लंबी उम्र जिए हैं, लेकिन देश के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने एक देश के विकास में एक बड़ा योगदान किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचडी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है, जिसके बाद एनडीए के तमाम नेताओं का कॉन्फिडेंस तो बढ़ा ही है, साथ ही साथ कांग्रेस को जमकर लपेटे में लेते नजर आ रहे हैं एनडीए के तमाम नेता, चाहे जीतन राम मांझी हो, ललन सिंह हो, सभी ओवर कॉन्फिडेंस जो कांग्रेस में था उसकी बात करते नजर आ रहे हैं। आज केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पटना पहुंचे हैं और आते आते ही उन्होंने कांग्रेस पर ज़बरदस्त तरीके से निशाना साध दिया और कहा कि पीएम मोदी की लोकप्रियता का जो डंका बजता है वही प्रमाण है हरियाणा में भाजपा की जो इतनी बड़ी जीत हुई है। साथ ही साथ कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस ने हर नेगेटिव नकारात्मक नैरेटिव चलाने की कोशिश की, लेकिन जो जनता थी उसने ऐसे सारे नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को रिजेक्ट कर डाला, जो कि हरियाणा के चुनाव में साफ नजर आ रहा था। तो वहीं आपको बता दें, टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का कल निधन हो गया, जिसके बाद तमाम नेता, भारत के तमाम उद्योगपति अपना दुख व्यक्त करते नजर आ रहे हैं, बिहार के तमाम नेता अपना दुख व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, उनका ये बयान सुने। बिल्कुल, यह दुखद बात है। ऐसे ईश्वर ने तो सबको एक आयु दी है, एक लंबी उम्र जिए हैं, लेकिन देश के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने एक देश के विकास में एक बड़ा योगदान किया है और उनकी जो सोच थी उद्योग के प्रति और औद्योगिकरण का, उसके माध्यम से नौजवानों को रोज़गार देने का, यह अद्भुत था। दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। ईश्वर उनसे जुड़े हुए सभी लोगों को धैर्य दे। गिरिराज बाबू आ रहे हैं। सर, हरियाणा चुनाव का जो परिणाम है, देखिए हरियाणा का चुनाव परिणाम ने यह साबित कर दिया है कि आज भी पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डंका बजता है। हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कोई भी ऐसे नकारात्मक कोई भी नैरेटिव ऐसा नहीं था जिसको उन्होंने नहीं चलाया। वहाँ की जनता ने सबको रिजेक्ट कर दिया और फिर से वोट ही माने, सिर्फ सीट ही नहीं बढ़ा, वोट का परसेंटेज भी बढ़ गया है भारतीय जनता पार्टी का। तो इसलिए अब साबित हो गया है, अब इसमें क्या दोबारा कुछ कहने की जरूरत है। अभी रतन टाटा का निधन एक दुखद घटना है। रतन टाटा साहब की इस देश के जो औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान था और उन्होंने पूरे औद्योगिक जगत को एक नई दिशा और आज उनके निधन से देश ने एक मशहूर और एक देश प्रेमी उद्योगपति को खो दिया। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने कल मुंबई के एक अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली। कल देर रात उनका निधन हो गया, जिसके बाद तमाम नेता हो, उद्योगपति हो, सभी शोक व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपना शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रतन टाटा के अंतिम संस्कार में शामिल होने भी जा रहे हैं और बिहार के तमाम नेता भी दुख व्यक्त करते नजर आ रहे हैं, चाहे नित्यानंद राय हो या फिर ललन सिंह, सबने इसे एक अपूर्णीय क्षति बताया है। रतन टाटा के निधन को लेकर किस तरीके से बिहार के भी तमाम नेता अपना दुख व्यक्त करते नजर आ रहे हैं, ये भी हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।